फ्रेंडी जॉइन, क्योंकि मैं बल्ब और आप बैटरी दी हुई है, जब हमारे लिए क्लास इंटरवल और आप फ्रिक्वेंसी दी होती है तो उस श्रेणी क्या की कंटिन्यूस सीरीज, इसको बोलते हैं खंडित श्रेणी। अब हम चलते हैं अब सॉल्यूशन की तरफ। तो हमें करना है क्या है, सबसे पहले कॉलम बोएंगे तो साइड है क्लास इंटरवल उसका, उसके बाद एफ और उसके बाद सी एफ, ये हमारी कॉलम बनेंगे, टेबल बनेगी, टेबल के बाद बनाएंगे फॉर्मूले की तरफ। ठीक है, तो टेबल कंप्लीट कर लेते हैं और चलते हैं फॉर्मूले की तरफ। थैंक यू यार, कई क्वेश्चन हमें लगातार आता है, कैसे निकालते हैं। हमारा क्वेश्चन है 0 10 10 20 और 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, इनकी जो आवृत्ति है वो है 40, 40 के बाद 60, 60 के बाद 26, 26 के बाद 30, 30 के बाद 44। ठीक है, इस प्रकार ये क्वेश्चन दिया हुआ था। क्वेश्चन में एक और कॉलम की गणना करनी है सॉल्यूशन के लिए, वो हमारा है सी एफ, और हमें एम चाहिए पड़ता है, एम करेंगे टोटल, तो 6 4 10 हासिल आएगी, 5 6 11 2 13 और 16 4 20, तो जो हमारा एम है वो हो गया 200, तो जो हमारा एम हो गया 200। अब मैं सी एफ निकाल दी, पहले आपने तीन सी एफ करा दिया, फिर 100 हो जाएगा, फिर 126, किस प्रकार होता है यही क्वेश्चन में बता रहे हैं कि जो भी आप पहली होती है उससे ऊपर में जीरो मान लेते हैं संख्या आवृत्ति को, क्योंकि आवृत्ति से ऊपर वाली संख्या आवृत्ति जोड़ने से हमें उस आवृत्ति की संख्या आवृत्ति पता चलती है, मतलब कि 40 में उससे ऊपर वाली सी एफ जीरो जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा, 60 में ऊपर वाली सी एफ 40 जोड़ेंगे 100 हो जाएगा, 26 में ऊपर वाली संख्या आवृत्ति 100 जोड़ेंगे तो 126 हो जाएगा, और 30 में ऊपर वाली संख्या आवृत्ति जोड़ेंगे तो 156 हो जाएगा, 44 में जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 200। और जो सबसे अधिक से कम संख्या आवृत्ति होती है वो ही हमारा एन, अगर दोनों सेम है मतलब कि हमारी गणना सही है। अब पढ़ते हैं बी के लिए, बी के लिए पहले हमें निकालना पड़ेगा बी थ्री नंबर, और अखंडित श्रेणी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एन अपॉन टेन आइटम गुणा थ्री, थ्री क्यों क्या जो तीसरे नंबर का नंबर है, डी थ्री है, एन हमारा 200 है बटा 10 गुणा 3, तो ये हो जाएगा 20 गुणा 3 कितना आ जाएगा 60, तो डी थ्री नंबर जो हमारा है वो है 60, यहाँ दो लाइन लिखेंगे डी थ्री नंबर, डी थ्री नंबर 60 है जो संचय आवृत्ति 100 में शामिल है, अतः उसके सामने वाले मान ई एफ L1 L2 होंगे। ठीक, एक इसका फॉर्मूला लगा लेंगे, फॉर्मूला हमारा जो D3 बराबर होगा, D3 बराबर L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F ब्रैकेट में D3 नंबर माइनस C, तो C होता है जो हमारे CF में शामिल होता है ऊपर वाले CF, जिस CF में हमारे D3 नंबर शामिल हुआ उससे ऊपर वाले सी एफ को भी क्या बोलते हैं, सी बोलते हैं। तो एल वन हमारा कितना है 10, एल टू 20, एल वन 10, एफ हमारा क्या हो जाएगा 60, और डी थ्री नंबर जो हमारा आया वो 60 है, और सी जो है वो 100 के ऊपर वाला जो है 40 से चाहिए आपको भी होगा, तो हम हल करेंगे 10 10 प्लस 10 गुणा 20 बटा 7, तो ये हमारा हो जाएगा 10 प्लस, यहां पे हल करते हैं 10 प्लस 200 बटा 7, 6 से 20 को काटेंगे, 6 18 और 6 18 6 18, तो ये हो जाएगा 13.3, जो हमारा डी3 आएगा
सी क्या होगा इसके लिए, जो हमारी संचयी आवृत्ति में शामिल हुआ है ना, ये हमारा डी से नंबर, उससे ऊपर वाली संचयी आवृत्ति 156 के ऊपर क्या है 126। और हमने लिख देंगे 156 के सामने 30 है, 40 माइनस 30 और आवृत्ति क्या लग रही है 30, ब्रैकेट में आ जाएगा एक, हमारा कितना निकल गया है 156 और सी क्या हो जाएगा 156। गुणा करते हैं 30 प्लस 10 गुणा 30 बटा 30, आगे जाएंगे 30 प्लस 300 बटा 30 तो क्या हो जाएगा 30 प्लस 10 हमारा जो बी से में है वो कितना हो जाएगा 40। तो इस प्रकार से अपन सरलता से दशमलव जो है अखंड श्रेणी में उसकी गणना कर सकते हैं। बात है केवल हमें किस प्रकार से करना है और फॉर्मूले हमारे दिमाग में सेट होने चाहिए, याद नहीं करना है ट्रिक, केवल यहाँ पर मीडियम नंबर आता था। अगर हम मध्यकाल की बात करें तो जो फॉर्मूला होता था वो क्या होता था अखंड श्रेणी में, कैपिटल एम बराबर एल वन प्लस एल टू माइनस एल वन अपॉन एफ, और ब्रैकेट में क्या होता था मीडियन नंबर, ठीक है स्मॉल एम जिसको बोलते हैं माइनस सी। तो मीडियन नंबर की जगह क्या आ गया D3 नंबर, D7 नंबर, क्वार्टाइल 1 नंबर या क्वार्टाइल 3 नंबर, मतलब कि जिस भी विभाजन में हम यह गणना करेंगे अखंड श्रेणी में उसी का नंबर आ जाएगा। तो मध्यिका के जो सूत्र हैं व्यक्तिगत श्रेणी में या खंड श्रेणी में या अखंड श्रेणी में वो ही सूत्र सारे विभाजन होने के सारी गणनाएं समान है, केवल छोटा छोटा सा अंतर में रखना है वो पता होना चाहिए। जैसे कि यह किसके भाग दे रहे हैं जैसे मध्यिका में 2 से दे रहे हैं, चतुर्थक में 4 से दे रहे हैं, मतलब कि जो विभाजन मूल्य समाप्त माना को या विभाजन को जितनी भाग में बांटता है उसी से भाग दिया जाता है। जैसे मध्यिका 2 में भाग बांटती है 2 से भाग देंगे, चतुर्थक 4 में बांटता है 4 से भाग देंगे, दसवां 10 में बांटता है 10 से भाग देंगे। बड़ा ही सरल है, कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, केवल अपने दिमाग को व्यवस्थित रखना है। जैसे बने आसन परमाला जो परमूल है उनको व्यवस्थित रखते हैं, उसी प्रकार अपने दिमाग को भी व्यवस्थित रखना है कि कब कहाँ कैसे करना है। कोई चीज एकदम याद नहीं रखनी है, रटनी नहीं है, याद तो रखना है लेकिन रटना नहीं है, तभी अपन इनको कर पाएंगे और समझ पाएंगे। जैसे हमने सी बताया, जो सी होता है किसी सूत्र में जो मतलब द्वारा सूत्र में जो सी होता है वो उस जो नंबर हमने निकाला है वो नंबर उसे सी एफ में शामिल होगा, मतलब कि यहाँ थोड़ा सा हमने गलत कर दिया, चलो कम से कम हमारी चीज क्लियर हो गई। यहाँ जो बी सेवन नंबर था वो 140 था, कितना था 140, थोड़ा सा सुधार दो क्योंकि हमने ध्यान नहीं किया और जल्दबाजी में भी हमारा यहाँ गलत था। चलो समझा दिए समय फिर से याद आ गया कि जो डी नंबर सेवन नंबर है वो 140 है, तो ये 140 जिस सी एफ में शामिल हुआ उससे ऊपर वाली सी एफ हमारी सी कहलाती है, जो हमारा नंबर होता है जिस सी एफ में शामिल होगा उससे ऊपर वाली सी एफ हमारी सी कहलाती है। तो डी सेवन नंबर 140 था और सी हमारा 126 हुआ, हमारा कितना हो गया ये 4 यहाँ हो गया 14, कितना हो गया 14, 30 प्लस 140 बटा 30 हमारा हो जाएगा 30 प्लस 14 बचेगा 3 4 12, 2 4 3 निकाला 3 निकाला मतलब 6 7 हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 34.67, कितना हो जाएगा 34.67। तो जो जल्दबाजी में हमारा वहां गलत हुआ था तो अच्छा समझा रहे कि वो चीज प्रॉब्लम में आ रही है कि हमने डी सेवन नंबर की जगह क्या ले लिया था सी एफ लिख दिया, सी एफ डी सेवन नंबर की जगह हमारा 140 आया था और ये 140 उससे ऊपर वाली सी एफ हमारी सी कहलाती है। जैसे डिग्री नंबर 60 था 100 में शामिल हुआ, 100 के ऊपर सी एफ क्या 40, तो यहाँ पे सी का मतलब 40। इस तरीके से हम इनको हल करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा दशमलव था व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी और अखंडित श्रेणी में कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम